So now I am discussing Woodward Fisher rule for calculating absorption maxima of dienes. ठीक है, तो क्या है, देखो सबसे पहले कब 1941 में वुडवर्ड ने क्या किया था, आपका एक रूल बनाया था जो किसके लिए, आपका जो ओपन चेन या जो सिक्स मेंबर रिंग है जो डाइंस है उनके लिए क्या करना, आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितने पे आना चाहिए, मतलब यूवी विजिबल कितने में आना चाहिए, वो उन्होंने रूल एक डिस्कवर किया था वुडवर्ड, और उसको बाद में एक्सटेंड या मॉडिफाई किया था किसने, फिशर एंड स्कॉट ने. ठीक है, जो ये रूल है वो वुडवर्ड फिशर रूल कहलाता है. तो कब 1941 में फिशर ने किसके लिए किया है, आपका ओपन चेन और सिक्स मेंबर्ड, किनके लिए, जो रिंग डाइंस होते हैं उनके लिए एक रूल निकाला है कि उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कितने में निकलना चाहिए या कितना आना चाहिए, और फिर उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, मतलब पहले एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन देन कैसा एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, अब हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम है उसमें जितना ज़्यादा कंजुगेशन होता है उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन में उसका जो लैम्डा होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यदि हम कंजुगेटेड पॉलीन्स की बात करते हैं तो वो कब कलर दिखाई देते हैं, व्हेन जो कंजुगेटेड में डबल बॉन्ड्स हैं मोर देन फाइव होते हैं, फाइव से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आर इन कंजुगेशन, देन द कंपाउंड शोज अ यूवी विजिबल मैक्सिमा अबव 400 नैनोमीटर. और 400 नैनोमीटर से अबव होने का मतलब क्या हो गया, जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, आपका कलर्ड होगा. ठीक, अब हम इसके लिए पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं ये वुडवर्ड एंड फिशर रूल फॉर डाइंस, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कितने प्रकार के डाइंस पॉसिबल हैं. फर्स्ट वन इज कैसा डाइन है, ये आपका एलीसाइक्लिक. एलीसाइक्लिक मीन्स क्या हुआ, आपका ओपन चेन डाइंस. ठीक है, तो ये कैसा है आपका, फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो ओपन चेन डाइन है वो कौन है, आपका ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन. ठीक, सेकंड क्या हुआ आपका, जो डाइंस होते हैं वो कौन से होता है, होमो एन्युलर डाइंस. होमो एन्युलर डाइंस का मतलब क्या होता है, आपका डाइन तो समझ में आ रहा है दो डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, होमो एन्युलर का मतलब होता है आपका जो दोनों डबल बॉन्ड्स होने चाहिए वो विथ इन अ रिंग होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जो ये कंपाउंड है इसमें जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो क्या आपका एक रिंग में प्रेजेंट दिख रहे हैं. ठीक है, ये ऐसे जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी क्या है आपका जो दोनों डबल बॉन्ड्स है वो किस में है, फिर आपके विथ इन अ रिंग में है. ठीक है, अच्छा जैसे देखो ये जो दोनों डबल बॉन्ड है वो किस फॉर्म में, आपके सिसोइड. ठीक है, सिसोइड और ट्रांसोइड ये है, देखो ट्रांस ये ट्रांसोइड है क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ है दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे डायरेक्शन में है, मतलब ये देखो ये सिसोइड होता है ये और ये ट्रांसोइड होता है ये. ठीक, तो क्या देखा गया है कि जो एस सिसोइड कन्फर्मेशन होता है वो जो उनका जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा आता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इस एस सिस की जो होती है वो क्या होता है आपका लोअर इंटेंसिटी होती है, मतलब जो पीक होती है वो कम इंटेंसिटी छोटी पीक आएगी. ठीक है, लेकिन जो ट्रांसोइड फॉर्म में होगा जो डबल बॉन्ड्स डाइंस ट्रांसोइड होते हैं सिस ट्रांसोइड कन्फर्मेशन में होते हैं उनका क्या होता है आपका जो पीक आती है वो क्या आती है आपकी मैक्सिमा उसका क्या आता है हाई मैक्सिमा आता है. ठीक है, तो जैसे सिसोइड के लिए जो एप्साइलन की वैल्यू आती है वो अराउंड 10,000 होती है और जो एस ट्रांसोइड है उसके लिए जो एप्साइलन की वैल्यू आती है वो नियर बाई 20,000 के करीब होती है. ठीक है, तो जो सिसोइड्स होते हैं उनके लिए एप्साइलन कम होता है मीन्स उनकी इंटेंसिटी लो होती है और जो ट्रांसोइड होते हैं या ट्रांसफॉर्म में रहते हैं इस फॉर्म में रहते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या रहती है हाई रहती है. ठीक, थर्ड टाइप का जो डाइन है वो है आपका हेट्रो एन्युलर डाइन. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ठीक है, या होमो मीन्स सेम. तो जब डाइंस दोनों बॉन्ड्स एक ही रिंग में होते हैं तो उसको बोलते हैं होमो एन्युलर, और जब दोनों डबल बॉन्ड्स कैसे होते हैं आपके डिफरेंट रिंग्स में होते हैं तो दैट इज नोन एज हेट्रो एन्युलर डाइंस. ठीक है, नेक्स्ट क्या होते हैं आपके एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कंजुगेटेड बॉन्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ठीक है ये वाला देखो, अच्छा ऐसे देखो, अच्छा समझो एक्सो क्या है आपका, यदि रिंग से निकलते हुए डबल बॉन्ड है तो ये कौन सा कहलाएगा आपका एक्सो.
ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि मैं इसकी बात करूँ तो जो ये डबल बॉन्ड है वो एक्सो है। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के से ओरिजिनेट होता लग रहा है। रिंग से यदि अटैच है तो वो कौन सा होगा फिर? आपका एक्सो। तो ये डबल बॉन्ड कैसा? आपका एक्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या दिख रहा है? आपका एक्सो दिख रहा है। ये रिंग मान लो ये 6 मेंबर रिंग है, तो ये क्या है आपका? जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये एक्सो, ठीक है। लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड देखो कहीं भी रिंग से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, तो ये कौन सा हो गया फिर? आपका एंडो। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कौन से बॉन्ड्स हैं, एक्सो बॉन्ड्स कौन से होते हैं और एंडो कौन से। एक्सो मतलब हुआ वो रिंग से बिल्कुल अटैच होने चाहिए, तो वो एक्सो होंगे, और रिंग के अंदर होंगे तो वो कैसे होंगे? आपके एंडो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ से समझ में आना चाहिए कि ये एक्सो है क्योंकि रिंग से बाहर की ओर निकल रहा है, और ये रिंग के अंदर है तो ये एंडो। तो रिंग से बाहर की ओर निकलेगा तो एक्सो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सो, ये भी एक्सो दिख रहा है, ये भी एक्सो दिख रहा है, ये भी एक्सो दिख रहा है, ठीक, ये भी एक्सो दिख रहा है, तो ये कैसे है? एक्सो एंडो ये है। देखो एंडो रिंग के अंदर है ना, तो ये एंडो है, ठीक। ये वाला भी एंडो है, ठीक है, और ये वाला भी एंडो दिख रहा है, ठीक। तो ये एक्सो और एंडो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, ये क्या है आपका? देखो ये वाला भी कैसा? आपका एक्सो, और ये वाला भी कौन सा? आपका एक्सो। तो ये क्या है आपके? टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स है। रिंग से निकल रहा है, ये वाला बॉन्ड भी रिंग से ओरिजिनेट हो रहा है और ये वाला बॉन्ड भी रिंग से ओरिजिनेट, तो ये क्या कहलाते हैं आपके? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, ठीक। ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि 1941 में वुडवर्ड ने किसके लिए ओपन चेन और 6 मेंबर रिंग या डाइन्स के लिए क्या करा था? एक कैलकुलेशन की थी कि कैसे उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कैलकुलेट किया जा सके। और लेटर ऑन फिशर एंड स्कॉट ने क्या किया था? उसको मॉडिफाई किया था। तो जो रूल है वो क्या कहलाता है? फिशर वुडवर्ड फिशर रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने कुछ डेफिनेट वैल्यू ऑफ यूवी विजिबल दिया और फिर उनको कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल ये आपने याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यदि आपका ब्यूटाडाइन है या साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन है तो उसके लिए जो बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 217 नैनोमीटर, ठीक है। होमो एन्युलर कंजुगेट डाइन है, होमो एन्युलर समझ में आ रहा है, दोनों डबल बॉन्ड विथ इन अ रिंग है, तो उसके लिए जो बेसिक वैल्यू है 253 नैनोमीटर। हेट्रो एन्युलर समझ में आ रहा है, जो दो डबल बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, जो कैसे कंजुगेटेड डाइन्स होंगे वो कैसे होंगे आपके? अलग अलग रिंग्स में, एक इसमें एक दूसरे में, हेट्रो एन्युलर होगा। या ओपन चेन जो डाइन्स होते हैं उनके लिए भी क्या होता है आपका? 214 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाते हैं आपके जो पेरेंट पीक्स हैं वो ये कहलाती हैं। अब इसमें क्या एड ऑन होता है? यदि एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है तो 5 नैनोमीटर जोड़ दोगे, ठीक है। यदि रिंग रेजिड्यू, कहीं से रिंग दिख रही है आपको अटैच है, तो वो क्या करोगे? रिंग रेजिड्यू कहलाता है, 5 नैनोमीटर जोड़ना है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर का एडिशन है। डबल बॉन्ड ऐसा है कि वो क्या कर रहा है? कंजुगेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब दो डबल बॉन्ड के अलावा ना तीसरा डबल बॉन्ड आ जा रहा है, वो कंजुगेशन में आ रहा है, तब कितना ऐड करोगे उसमें? 30 ऐड करोगे नैनोमीटर। अब डिफरेंट ऑक्सोक्रोम के लिए अलग अलग वैल्यू है। फ्रॉम फॉर एग्जांपल ओ एल्किल के लिए 6 नैनोमीटर, ओ एस एल के लिए कुछ नहीं एडिशन करना है, 0, एस एल्किल के लिए 30 नैनोमीटर, क्लोरीन और ब्रोमीन है तो उस केस में कितना नैनोमीटर? 5 नैनोमीटर, ठीक है। किसमें? यदि साइक्लिक डाइन के केस में क्लोरीन ब्रोमीन है तो 5 नैनोमीटर, लेकिन यदि डाइन ओपन चेन है तो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए 17 नैनोमीटर। ये अलग है, समझ मारा? डाइन ओपन चेन है तो उस समय यदि क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड होगा तो 17 नैनोमीटर ऐड होगा, लेकिन यदि डाइन साइक्लिक है तो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए 5 का एडिशन होना है। लास्ट एन एल्किल, इसके लिए 60 नैनोमीटर का एडिशन होना है। फिर सबको जोड़ लिया जाएगा और पता चल जाएगा कि यूवी विजिबल में कितने नैनोमीटर पर पीक आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके का लग रहा है आपका, ये दिख रहा है मुझे होमो एन्युलर डाइन। कैसा है आपका? होमो एन्युलर, ठीक है। और जो होमो एन्युलर मीन्स हुआ दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, ठीक है। तो दो डबल बॉन्ड किस में है? एक ही रिंग में प्रेजेंट है, तो क्या है आपका? होमो एन्युलर डाइन। और होमो एन्युलर डाइन के केस में जो पेरेंट वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 253 नैनोमीटर। तो हमने कर दिया 253 नैनोमीटर, ठीक है।
अब सेकेंड है देखो, इस रिंग से क्या अटैच है, एक तो ये एल्किल ग्रुप अटैच है, दिख रहा, ये ग्रुप दिख रहा है एक एल्किल ग्रुप, और दूसरी बात इस रिंग से एक रिंग अटैच यहाँ पर है, कि ये क्या कहलाता है आपका, सॉरी ये है आपका रिंग जो कंपाउंड है, रिंग रेजिड्यू, ठीक है। तो क्या हो गया फिर आपका, कितना हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक। तो टोटल कितना हो गया फिर आपका, 5 × 3 इट मीन्स 15। नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि हम इसकी बात करें तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो है एंडो, लेकिन जो ये वाला डबल बॉन्ड है वो इस रिंग से ओरिजिनेट होते हुए लग रहा है, उससे बाहर की ओर दिख रहा, तो ये क्या है आपका, एक्सो, ठीक है। और एक्सो साइक्लिक के लिए हमने क्या बताया था आपका, 5 नैनोमीटर और ऐड हो जाता, तो कितना हो गया, 253, 15 और 5, इट मीन्स टोटल कितना हो गया, 273 नैनोमीटर। तो क्या हो गया फिर आपका, टोटल 273 नैनोमीटर पर यूवी आना चाहिए, और रियलिटी में यूवी कितने पर आता है फिर आपका, 275 नैनोमीटर पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपका एग्जांपल नंबर 2। ये कैसा लग रहा है आपका, होमो एन्युलर या हेट्रो, ये कैसा है आपका, हेट्रो एन्युलर। तो बेसिक जो इसका पेरेंट पीक होगी कितने पर होगी, 214 नैनोमीटर। अगेन कितना है आपका एल्किल और जो रिंग रेजिड्यू है, 1, 2, 3, तो 3 मीन्स 15। अगेन ये वाला कैसा है डबल बॉन्ड, एक्सो दिख रहा है, इस रिंग से बाहर की ओर है, तो ये एक्सो डबल बॉन्ड है, इसके लिए कितना एडिशन हो जाएगा, 5, तो टोटल कितना आ गया, 234, और रियलिटी में कितनी पीक आती है, 235 नैनोमीटर, ठीक है। अभी कुछ मैंने तुम्हें दे रही हूँ, 2,4-hexadiene है, या ये कंपाउंड है सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनका आपने करके बताना है कि इनके लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कितने में आना चाहिए था, ये आपका काम है।